पूरे दुबई में जो है आप जब विजिट पे जाते हैं तो आपको फिरने के लिए कि टैक्सी अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव इसलिए पड़ेगी कि आपकी जॉब नहीं है तो आपको पैसे शुरू में बचत करने हैं। बचत किस तरह से करेंगे कि नॉल कार्ड आप खरीद लेंगे, तकरीबन 27 दरहम या इस तरह से मिल जाता है वो, तो उसमें आपको उसका क्रेडिट भी मिल जाता है। उसके जो है आप बसेस में यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से ट्रेन जो है वहाँ की दुबई की, तो आप यूज़ कर सकते हैं दुबई की ट्रेन, जिससे ये है कि आप काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। और उसमें भी फिर एक बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग जब विजिटर वीज़ा है आपके साथ तो फिर आप लोग 7 डेज पास ले सकते हैं ऑल जोन वाला, तो उसमें आप बस एक दफ़ा 110 जो अभी प्राइस है 110 है तो वो आप पे करें तो आपको 7 डेज का पास मिल जाता है। उस पर आप इजीली फिर ट्रैवल कर सकते हैं पूरे दुबई में, दुबई में ही सिर्फ अलाउड है। अगर आप किसी और जो है ना एमिरेट्स अगर जाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होता है और वो जो है इस पैकेज में इंक्लूड नहीं होता। इसके अलावा भाई ये चीज़ है कि जैसे कि लेट सपोज आप दुबई से अबू धाबी जाना चाहते हैं, तब भी दुबई से आपको बस मिल जाती है इब्न बतूता। इसमें 2-3 और स्टेशन हैं, आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ की स्टेशन की डेस्टिनेशन मिल जाएंगी और टाइमिंग का भी आपको वहाँ पे अपडेट हो रहा होता है गूगल मैप पे, आप चेक कर सकते हैं। नॉल कार्ड आपके पास होना चाहिए और बस में जो है खाना पीना अलाउ नहीं होता। अगर आप इस तरह गलती करते हैं या आपने कार्ड टैप नहीं किया और आप गाड़ी में डायरेक्ट बैठ के बस में या ट्रेन में, तो आपके लिए मसला हो सकता है, आपको जुर्माना हो सकता है, तो आपने ऐसे गलतियां नहीं करनी। और बाकी आप 7 डेज पास लगाएं तो आप पूरे दुबई में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता। जबकि आप दुबई से अबू धाबी या किसी और सिटी जाना चाहें तो आपको एक्स्ट्रा उसके लिए अलग से पे करना होता है।